नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे है, नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे, मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीर, मेरे ख्वाब के लिए सवेले कहाँ जाते हैं? ये वाला अंदर पीछे रास्ता कच्चा है, साफ है, आगे तो पैदल ही जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर लेके गाड़ी चली जाएगी। तेरा मेरा साथ न छूटे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे, हाँ तेरा मेरा साथ न छूटे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे, है नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे, है नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे। ये पार्किंग वगैरह कोई है चीज रास्ते में? अच्छा आगे है। आगे पार्किंग है, उतर इसलिए गए कि गाड़ी कहीं लग ना जाए, और रास्ता देखें थोड़ा कच्चा है, आगे थोड़ी पार्किंग है। क्या कह रहे हो? रास्ता तो बहुत ही खराब है। ये देखिए सामने पार्किंग है, यहाँ पार्किंग खड़ी करके गाड़ी फिर अपने हाइकिंग पे जाना है। सवाल एक अच्छा जी, ये है सवाल एक की पार्किंग, गाड़ियां काफी आई हुई हैं यहाँ पे, गाड़ी खड़ी करके 3 से 4 किलोमीटर कह रहे हैं, आई गेस 4 तक किलोमीटर की पैदल का रास्ता है। अच्छा देखें ये गाड़ियाँ, अब इसमें भी आ सकते हैं या इन गाड़ियों पर आगे जा सकते हैं। ये गाड़ियाँ हैं देखें यहाँ तक आई हैं, सो यू कैन सी कि दीज कार्स कैन कम। रास्ता बीच में थोड़ा कच्चा है, कोशिश करें ऐसी गाड़ियाँ लेकर आएँ जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर हो। सवाल एक, इस्लामाबाद से जब पिंडी से निकले तो गूगल मैप पर डाल लें और रास्ते में पूछते हुए जरूर जाइए। सवाल एक, सवाल एक का रास्ता यहीं से है? जगह कैसी है, बेहतर है? 4 किलोमीटर हैं पैदल। कितना? 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर दीप जान दी है, आगे 10 से 15 मिनट पैदल। अच्छा 4.5 किलोमीटर दीप जान दी है, और जीप कितना पैसा लेती है? जीप 800 160 860 का लेती है, सही है। उसके बाद 10 मिनट पैदल। अच्छा ये लाइफ जैकेट क्यों रखी हुई है? ये सेफ्टी के लिए ना, स्विमिंग के लिए। नहीं तो यहीं से मिलेगी जी, यहीं से नीचे भी। कितना लाइफ जैकेट, कितना पैसा है? 250 सही। तो ये जीप पे खड़ी है, 4.5 किलोमीटर जीप लेके जाएगी, उसके बाद 10 मिनट पैदल है, ये है हासिला। और लाइफ जैकेट 250 रुपए की है, अगर आपने नहानी है लेना है 250 रुपए लाइफ जैकेट के। और झील का नाम भी खंडवा है, तो सवाल एक है स्वेग लेक, जगह कैसी है? अच्छी है लेकिन आज बारिश है ना, आबशार आई है। आबशार आई हुई है, मजा नहीं। क्या मतलब? आबशार आई हुई है पर मजा नहीं है, तो नहा नहीं सकते। पानी दूर से इतना नजर आता है कि आगे से कुछ चीज नजर नहीं आ रही। समझा नहीं क्या मतलब? आबशार इतनी है ना कि उसकी जो है गंदी उसी वजह से बना हुआ है, ऊपर से जितनी मट्टी आ रही है सारी उसमें।
तो अभी तो बारिश तो नहीं हो रही है अभी, बारिश नहीं हो रही है ना भाई। हाँ तो जो आबशार है ना वो बिल्कुल जो है ना तेजी से बह रही है। अच्छा तेज आ रही है जी। नहीं हो रहा। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? बस ऐसे जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। वो लाइफ जैकेट कुछ काम नहीं कर रहे? नहीं, अंदर लाइफ जैकेट पहन के नहीं जा रहे। अच्छा तो अभी क्या करें फिर, वापस जाएं? ये रुके यही है कि जाना है दूर से आए तो फिर एक बार देख। अच्छा इसके अलावा झंडू खंडू लेक कैसी है? वो दूसरी लेक जो है कौन सी? जो ये गांव का नाम बता रहे हो, खंडवा लेक? ये एक ही है, गांव का नाम खंडवा है ना। हाँ झील का नाम स्वेक लेक है, लेकिन अच्छा। बोर्ड जो लगे हुए वो खंडवा झील के नाम से। अच्छा अच्छा चलो शुक्रिया जी। जैसे आपने सुना 800 किलोमीटर एक तरफ का ले रहा था वो, और कह रहा था अगर आप वापसी में ऊपर आने की बात करेंगे तो 1600 रुपये देने पड़ेंगे आपको। खैर हमने फिर फैसला किया कि हम जो है पैदल जाते हैं, देखते हैं पैदल का फैसला हमारा कितना दुरुस्त निकलता है, वहाँ जाके आपको बताते हैं और फिर कंप्लीट डिटेल्स बताते हैं ये जगह कैसी है। सवाल एक जो है कलर कार के साइड पर है, रास्ता जो है ये पार्किंग के बाद से है, जूते जरूर पहने, जॉगर्स जिसे आप कहते हैं चप्पलों पे मत आइएगा, और बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा जी नीचे उतरते जा रहे हैं, जूते ज़रूर पहने इस हाइकिंग को अगर आपने करना है तो, जूते जिनको आप जॉगर्स कहते हैं उनको आप ज़रूर पहने, पत्थर जो है रास्ते पे हैं तो अगर जूते नहीं पहनेंगे तो पांव मुड़ने का खतरा है, प्रॉब्लम होगी आपको। ये भाई कह रहे हैं कि पानी अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, बारिश हुई भी है, तो कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग आगे चले गए, हम आगे जा रहे हैं। अब आए हैं तो देखते हैं क्या है आगे। ये देखें ये हाइकिंग दोबारा शुरू हो रही है, खंडवा लेक 15 मिनट की या 20 मिनट की हाइकिंग के बाद ये एक अच्छा रेस्ट एरिया बनाया है, यहाँ पे व्यू भी अच्छा है, तस्वीरें आप खींचें। जिस लेक पे हमने जाना है वो लेक ये रही, बारिशों की वैसे गदला पानी है लेकिन वैसे साफ पानी होता है इसका। एक रेस्ट एरिया देखें वो भी बना हुआ नीचे, सही। तो ऐसे ये दो रेस्ट एरियाज आ रहे हैं, आराम से बैठे यहाँ पर 10 मिनट 5 मिनट और फिर आगे चले। हमने ऑफ द ट्रैक थोड़ा जा रहे हैं और क्या ना ये हाइकिंग है थोड़ी, वो रोड से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पैदल का रास्ता थोड़ा कम लगेगा, लेकिन हिम्मत चाहिए भाई आपको। ये हाइकिंग देखें, वजन कम है तो अच्छा है। ये देखें ये हाइकिंग यहाँ से हम करके आए ऊपर से, और ये है वो सवा लेक की आबशार जो बारिश की वजह से भी बहुत तेज़ हुई है। भाई लोग यहाँ पर बारबेक्यू कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं, मटन टिक्के बना रहे हैं माशाल्लाह। वहाँ पानी बह रहा है, थोड़ा गदला पानी है अभी, वैसे नॉर्मली साफ पानी होता है, बारिश के से गदला पानी हो रहा है। ये आबशार है,